तो मुरादाबाद की बिलारी और गाजीपुर की जंगीपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इनमें लगभग 3.5 लाख पुरुष और लगभग 3 लाख महिला मतदाता हैं। उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे हैं, इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। चुनाव पर पैनी नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने 2 सामान्य प्रेक्षक और 132 माइक्रो प्रेक्षक तैनात किए हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 2949 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। चुनाव में केंद्रीय बलों के अलावा पीएसी और राज्य पुलिस बल पर्याप्त संख्या में तैनात किए गए हैं। मतदान पर निगरानी के लिए डिजिटल और वीडियो कैमरे भी लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि 2 सीटों के लिए उपचुनाव जारी है। उत्तर प्रदेश के जंगीपुर और बिलारी विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। पहले ये दोनों सीटें सत्ताधारी सपा के पास थी। जंगीपुर सीट गाजीपुर जिले में है। वहीं विधायक एवं कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। फिलहाल इस पर आज उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। वहीं बिलारी की अगर बात कर ली जाए तो 64 वर्षीय सपा विधायक हाजी इरफान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके बाद से यह सीट खाली हुई और अभी उपचुनाव हो रहा है, यानी कि आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की जंगीपुर और बिलारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है। मतदान के लिए लोग मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग बड़े ही शांति तरीके से कर रहे हैं।